सजाए अलसाई रंगी दीम ताना न देरे ना ताना न दिर दिर दीम ताना न देरे ना। नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जो है आदिवासन म्यूजिक एकेडमी में, जहाँ पर जो है यहाँ पर कई सारे बच्चे जो है म्यूजिक का जो क्लासेस है वो सीखते हैं, और उसके साथ साथ जो है आज यहाँ पर जो हम आए हैं जो पूरे देश के मशहूर हैं, जो पूरे देश उनको जानता है म्यूजिक की दुनिया में, कला की दुनिया में जो है काफ़ी उन्होंने जो है लोगों का दिल जीत चुके हैं, सुरेश वाडकर साहब जो लता मंगेशकर जैसे लोगों के साथ उन्होंने गाना गाया है, बहुत सारे भजन, बहुत सारे जो है कीर्तन, और हिंदी, भोजपुरी, यहाँ तक कई स्टेट के भाषाओं में जो है उन्होंने अपनी सिंगिंग को जो है, अपनी आवाज़ को जो है, अपनी जादुई आवाज़ को जो है दिखाया है, और उनके गाने आज भी लोग सुनते हैं। और हम आपको दिखा देंगे जो है, देखिए जिस तरह से जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, मैं उसी जगह पर हूँ, आदिवासन एकेडमी में हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो क्या है, उन्होंने अभी जो हम उनसे बात करेंगे, देखिए 2009 में उस्ताद जाकिर हुसैन जी का जो है यहाँ पर लगा हुआ है, उनके साथ उनकी जो तस्वीरें हैं, और जो है यहाँ पर हम आपको बता दें उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जो है, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ अभी देखिए 2015 में पद्म भूषण अस्थाई भोसले जो है उनको मिला है, और ये जो है साथ में है, बहुत सारे ऐसे तस्वीर हैं जिनके साथ जो है सुरेश वाडकर साहब ने जो है अपनी जो है इस सफ़र को, लंबी सफ़र को जो है अपनी इस कैरियर को काफ़ी आगे तक ले जा चुके हैं। और यही नहीं, काफ़ी और भी अभी फ़िलहाल जिस तरह से हमने उनसे बात किया है, तो वो उनको जो है पद्म भूषण का अवार्ड मिल रहा है, और जो है वो काफ़ी खुश है, देर ही सही लेकिन दुरुस्त मिला, लेकिन जो है पद्म भूषण का अवार्ड, लेकिन पद्म भूषण के अवार्ड से पहले उनको जो है एमपी में जो है वहाँ पर सम्मानित किया गया था 2011 में, 2007 में सम्मानित किया गया था, कई ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं सुरेश वाडकर साहब को, एक सम्मानित हैं जो है। और कल यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है जो एक बड़े पैमाने पर होगा, हर साल बसंत उत्सव जो है यहाँ पे मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरह से पिछले 20 सालों से मनाया जा रहा है, और यहाँ पर कल मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो कला की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में जो इतना आगे गए, और आज उनकी जो सोच है वो काफ़ी अलग सोच है, वो आज जो है कई ऐसे बच्चों को वो सबक सिखा रहे हैं, वो म्यूजिक सिखा रहे हैं, यहाँ पे म्यूजिक एकेडमी खोल कर रखे हुए हैं, कई सारे बच्चे जो है यहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं, यहाँ से आगे जा रहे हैं, चाहे वो इंडियन आइडल हो, चाहे वो कई देश की कोई भी जो है सिंगिंग की दुनिया में हो, कोई भी एकेडमी में हो, वहाँ जाकर वो कंपटीशन करते हैं, वहाँ से जीत हासिल करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो है सुरेश वाडकर साहब जिस तरह से जो है लोगों को जो है सिखा रहे हैं, जो बच्चे हैं यहाँ पर काफ़ी खुश हैं, काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पर वो जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, उनके जो सुरेश वाडकर जो साहब हैं उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जो सीखा है, जो म्यूजिक की दुनिया की बात करें अगर, जिस तरह से उनका नाम है, उनका पूरे देश में नाम है, उसी के साथ साथ वो जो है न सिर्फ जो है वो सिंगिंग किया, बल्कि यहाँ पर जो एकेडमी खोल के रखा है, कई सारे बच्चे उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। सर, लगभग देखा जाए कई वर्षों से आप जो है वतन को मना रहे हैं जो है, और लगभग 20 साल के करीब जो है हो चुका है, तो ऐसे में जो है अभी फिर होने वाला है, और जो है क्या करना है? बहुत अच्छा लग रहा है, 20 साल हो गए, और इस साल एम बैजन जी जो सारी दुनिया में वॉलिन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं, भाग्यकार अवार्ड देंगे मेरे गुरु जी के नाम से। सर, देखा गया है जो है पद्मश्री जो है आपको जो है अवार्ड मिलने वाला है, और उसको लेकर जो है मतलब कितना आप खुशी हैं, और ये अवार्ड और पहले भी ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का कहना है और पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से आपकी जो सुरीली आवाज़ है, जो आपने जो कला जो है जो दिखाया है पूरे देश में, आपके जो गाने हैं वो काफ़ी लोगों ने जो है उससे खुश हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है जो आपको मिल रहा है, कितना खुशी है आप जो है पद्मश्री अवार्ड? बहुत ज़्यादा खुशी है, भारत सरकार ने मुझे इस लायक समझा और मेरा सम्मान कर रहे हैं पद्मश्री से, और देर आए दुरुस्त आए, हर कलाकार को इसका इंतज़ार होता है,
मेरा थोड़ा लंबा इंतज़ार रहा, मगर उसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर देखा गया है कि आपके जो है विकिपीडिया पर आपने लिखा है कि आपका 10 साल फेल है, आप जब 10 साल की उम्र में तब से आप जो है इस गाने को प्रैक्टिस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी अच्छी जो है गायकी कर रहे थे, और आज जो है आप इस मकाम पर पहुँचे हैं जो पूरा देश जानता है आपको, आपके हर गाने पूरा देश सुनता है, काफ़ी जो है खुश होते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं सर जो है ये जिस तरह से ये इसमें जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें मतलब कितनी आपको तकलीफों का सामना करना पड़ा है? ऐसा स्ट्रगल मैंने शुरू से किया ही नहीं, मेरी एंट्री बहुत मेरे नसीब से बहुत अच्छे से और खुशी की और थोड़ी आसान हुई, क्योंकि रविंद्र जैन साहब ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा। स्ट्रगल मुझे लगता है अभी कर रहा हूँ मैं लेटर एज में, शुरू से मैंने स्ट्रगल नहीं की, मैं बहुत आसान से भगवान के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजियों गुरुजनों के आशीर्वाद से, मेरे संगीतकारों के आशीर्वाद से बहुत आसानी से मैं चल रहा था। तो इतने लंबे समय से जो आप जो सफ़र कर रहे हैं सिंगिंग का, तो क्या उतार चढ़ाव आपने देखा? उतार चढ़ाव तो आने चाहिए, तभी तो इंसान अपनी कला को जीवित रखता है, अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो वो आलसी हो जाएगा। सर देखा गया है कि जैसा कि किसी ना किसी का एक गुरु होता है, चाहे जो है किसी भी फील्ड की मैं ए टू जेड बात कर रहा हूँ, उसमें कोई ना कोई गुरु होता है, तो आपके पीछे किसका? मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसन, मेरी बड़ी बहन प्रेम वसन, मेरे माता पिता, इन सब का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ही मैं कुछ कर पाया, उसमें रविंद्र जैन साहब का भी नाम है, उन्होंने पहला ब्रेक मुझे दिया, और आज जो कुछ है मेरे पास वो दादू के आशीर्वाद से है रविंद्र जैन साहब। सर सबसे पहले आपका जो गाना था वो कौन सा था जब आपने शुरुआत किया था, तो सबसे पहला गाना आपने कौन सा सुना? फिल्म पहली थी राजश्री प्रोडक्शंस की, सोना करे झिलमिल झिलमिल रूपा हंसे कैसे खिल खिल आह आह वृष्टि पड़े टपुर टपुर, ये वाला गाना था। उसके बाद फिर आपने कौन सा गाना मतलब जो फिल्मों में आपने? बस उसके बाद तो मुड़ के देखा नहीं, फिर बहुत सारे संगीतकारों ने जब ये गाना बाहर आया तो उषा खन्ना जी है, फिर लता जी और आशा जी ने ये मेरे गाने जब मैंने उनको सुनाए ले जा, तो उन्होंने सारे जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन सबको फ़ोन करके कहा कि नया लड़का भेज रही हूँ, उसको सुनिए और उसको चांस दीजिए। तो मेरे करियर पे इन दोनों सिस्टर्स का बहुत हाथ है। सर देखा ये गया है कि आप जो महाराष्ट्रियन हैं, कोल्हापुर से आपकी जन्म हुआ है, और उसके बाद जो है आप एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि कई भाषाओं में आपने जो है गाने गाए हैं, ये सब कैसे हो पाया? वो हमारी जो देवनागरी लिपि जो है वो सारा श्रेय उसका है, क्योंकि आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज देवनागरी में एग्जैक्ट लिख सकते हैं, तो उसकी बहुत मदद हुई। कितने भाषा में अभी तक गा चुके हैं आप? ऑलमोस्ट सारी इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश भी। अच्छा तो सर क्या कहेंगे आप जो हमारे ऑडियंस को, जो हमारे जो प्रहार टाइम्स के जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहेंगे? बहुत प्यार दें मुझे जिस तरह अभी तक देते आ रहे हैं, ताकि मैं और भी तरक्की कर सकूं, अपना गाना अच्छा कर सकूं, उनके आशीर्वाद के सिवा तो कुछ होता ही नहीं। सर आपने जो देखा नीचे की एक बैनर लगा हुआ है, उस्ताद हैं आपके जाकिर साहब उस्ताद हैं, उनके बारे में कुछ पल आपने बिताए हो वो क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। वो तबले के सारी दुनिया के सम्राट हैं, एक ही वर्ड में बोल सकता हूँ, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।
जैसा कि आपने देखा, मैं अभी सुरेश वाडकर साहब से बात कर रहा था, जो काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने जो गाए हैं, क्लासिकल जो है गाना गाए हैं। और अब मैं जो है वो स्कूल में हूँ, जो उनके जो एकेडमी जो चला रहे हैं, आजीवन म्यूजिक एकेडमी, यहाँ पर जो है आजीवासन जो है म्यूजिक एकेडमी जो चला रहे हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक इसी तरह से कई बच्चे आगे भी हैं और दूसरे कमरे में हैं, जो उनको सिखाया जा रहा है यहाँ पर म्यूजिक और ये जो सॉन्ग के बारे में। यहाँ पर एक मैडम बैठे हैं, हम उनसे भी जानते हैं थोड़ी बहुत, और जो टीचर हैं, और ये बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे से तो हम बात करेंगे, कैसा सिखा पाते हैं? भोले हैं, बट जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि म्यूज़िक बचपन से सीखे तो उसका बोलता है ना कि बोलते हैं ना कि जड़ मजबूत होती है, बचपन से सीखेंगे तो अच्छा है। तो वैसे ही खेलते कूदते हम लोग सिखाते हैं इनको भी। क्या लगता है ये बच्चे कब तक जो है मतलब अच्छा मतलब गाएंगे लोगों के बीच जाकर? अभी भी ये अच्छा ही गाते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे म्यूज़िक का कोई बोलते हैं ना कि ओशन समुंदर, तो सीखने का तो कोई ख़त्म नहीं होता है, सीखना तो है ही, जब जितना अच्छा गा लो बट सीखना तो पड़ेगा। इसमें कैसे मतलब ये पता चलता है कि मतलब कि लय कैसे लगाना है और ये सारी चीज़ें आप कैसे इनको सिखाती हैं? जो जैसे देखिए हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें जैसे ग्रामर जो है हमें ABCD सीखना पड़ता है, तो हम इंग्लिश में सेंटेंस या वर्ड जो भी है हम बना पाते हैं। वैसे म्यूज़िक में भी जो बेसिक रियाज है उसी से उनको पता चलता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो ये हारमोनियम है, ये तानपुरा है जो डिजिटल तानपुरा है, मैनुअल भी होता है, जैसे लाइव तबला होता है वैसे ही तबला का सब्स्टिट्यूट ये है डिजिटल तबला। तो इसी में हम लोगों को बताते हैं कि कैसे आपको तबला में पकड़ना है, उठाना है गाना, ऐसे हम सिखाते हैं इनको, ये सीख जाते हैं रियाज। ये एक नॉर्मल बच्चा कितने दिन में ये सीख सकता है? ये देखिए प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। वो जितना घर पे वो प्रैक्टिस करेंगे, मेरे पास तो आते ही है बट उनको घर पे भी करना है प्रैक्टिस, तभी वो अच्छे से जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। अगर कोई बच्चा अगर घर पे नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो उनके लिए थोड़ा लेट हो जाएगा। है टीचर हैं जो इसका सिखा रही हैं, काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। और मैं बात करूँगा, क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम प्रभजोत है। कितने सालों से यहाँ पर सीख रहे हैं आप? मैंने 2019 में शुरू किया था। तो कैसे लगा कि यहाँ पर आना चाहिए, सीखना चाहिए, कभी क्या गाना वगैरह गाते थे? हाँ, मैं एक्चुअली गुरुद्वारे में मैं शब्द गाती थी, तो मेरे को और म्यूजिक की नॉलेज चाहिए थी, तो मैंने सोचा मैं आजीवासन। प्रभु मेरे हो बैरागी त्यागी, प्रभु मेरे हो बैरागी त्यागी। मुझे है ना एक टीचर बनना है। मेरा नाम कवित है। हाँ। मैं 2 साल से इधर सीख रहा हूँ। मुझे पहले मैं सिंगिंग करता था घर पे। दीम ताना ना दे रे ना ताना ना दिर दिर दीम ताना ना दे रे ना ताना ना दिर दिर ताना ना ताना दी ताना 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 दे रे ता दे रे ना ता दे ताना ना ताना ता ताना दे रे ताना तद्रिया ना दीप ताना ना दे रे ना। कितने में पढ़ते हैं आप? क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। 4th standard। मेरा नाम चैताली कामले। मैं 3 साल से सिंगिंग सीख रही हूँ और मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। यहाँ पे जो टीचर ने क्या सिखाया आपको 3 साल हो चुके हैं आपको आए हुए, कुछ ऐसे गाने जो यहाँ पर टीचर ने सिखाया हो वो गा के जरा गुनगुना के बताइए थोड़े। अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं,
तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। क्या बात है, क्या बात है, कितने में पढ़ रहे हैं आप? टेंथ स्टैंडर्ड। तो ये मतलब अभी टेंथ का जो है जो पढ़ाई है काफ़ी कठिन है और उसके बाद आप यहाँ पर जो है सीख रहे हैं, तो मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं? स्कूल में पूरा दिन रहती हूँ और फिर इधर आती हूँ। लाइफ में कुछ चेंजिंग चाहिए इसलिए मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं सिंगिंग भी करती हूँ। बचपन से आप गाते थे? हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं जो है, थोड़ा थोड़ा सब बच्चों का ले लेता हूँ। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? अरमान चौधरी। अरे कामा पाठा रही। बहुत अच्छे से। क्या सीखे आपने? मैंने 3 साल में बहुत सारे राग सीखे और थियोरी सीखी है। अच्छा, तो जरा गा के बताओ। मैं इसका ही गाना गाना चाहता हूँ। गाइए गाइए। कुछ लफ्जों में कहने भर से फर्ज ना होगा तेरा दार, इस खातिर ही लिपट शहीदों से हो जाता हूँ मैं कुर्बा कुर्बा कुर्बा। मेरा नाम दिया वाधवा है, मैं इधर सिंगिंग 3 साल से सीख रही हूँ और पियाशी मिस मेरी सबसे फेवरेट टीचर है। स्कूल की टीचर मेरे को इतनी भी अच्छी नहीं लगती, मेरे को पियाशी मिस अच्छी लगती है। टीचर आपको अच्छी? हाँ। तो मेरे को अभी 17 राग सीख लिए मैंने 3 साल में। 17 राग सीखे हैं। हाँ, सब अलग अलग, सब अलग अलग राग सीखे हैं। एक राग गा के बताइए। अलबेले अलबेले सपने सजाए, अलबेले सपने सजाए, रात की बाहों में विकल जिया की चाह सलोटी, विकल जिया की चाह सलोनी, निरख निरख छवि मंद हास की सुध बिसराए, अलबेले सपने सजाए, अलबेले सपने सजाए। क्या बात है, क्या बात है। अभी ये जो है एक राग है आपका और 17 जो राग बताया आपने, अगर वो गा देंगे तो धमाका हो जाएगा। काफी अच्छा जो है मतलब ट्रेनिंग मिला है टीचर का। हाँ। क्या मतलब जैसा क्या करना चाहते हैं आगे बढ़ के, क्या करना चाहते हैं? जिस तरह से आपकी आवाज है काफी अच्छी आवाज है, तो आगे क्या मतलब जो है आपको शौक है, क्या कहाँ बोलेंगे, कहाँ पे आप पढ़ेंगे अपने गीत को? पहले तो सिंगर बनूंगी और उसके बाद टीचर बन के बाकी छोटे छोटे बच्चों को इसे सिंगिंग सिखाऊंगी। मतलब ऐसा और हाँ। जिस तरह से वाडकर सर ने जो है खुद भी जो है एक काफ़ी अच्छे मशहूर जो है पूरे देश से के मशहूर हैं जो है, उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे गाने गाए हैं और उन्होंने आज ये क्लासेस खोला है म्यूजिक जो है जो यहाँ पर है एकेडमी खोला है, तो ठीक उसी तरह से आप भी करेंगे। चलिए देखिए ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो है कोई 3 साल से कोई 2 साल से यहाँ पर जो है सीख रहा है और यहाँ पर तो कम है लेकिन इसके बगल में जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं और ये जो यहाँ के जो टीचर हैं बच्चे जो कह रहे हैं कि जो टीचर हमारी हैं स्कूल से ज़्यादा प्यारी टीचर जो यहाँ पे सिंगिंग सिखा रही हैं वो है क्योंकि काफ़ी अच्छे से उन्होंने सिखा रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।